नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। होप कि आप सभी अच्छे होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हमेशा अपने परिवार में व्यस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी गलत काम करता है, कोई भी किसी भी तरीके से गलत काम करता है, तो उसका हट जाना उसको भुगतना ही पड़ता है ना भाई। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो चला के दिखा रहा हूँ। अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ और आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। आप उस वीडियो से अंदाज़ा लगा दो कि क्या दिक्कत रही होगी, क्या प्रॉब्लम रही होगी। तो चलिए पहले वीडियो देख लो आप। तो होगी तसल्ली, देख लिया वीडियो। अब आपको क्या इस वीडियो में क्या नजर आ रहा है, वैसे भी होर हुल्ला सब कुछ यही नजर आ रहा होगा ना आपको इस वीडियो में। लेकिन दरअसल इस वीडियो की कहानी मैं आप सबको बताऊं तो इस वीडियो में ना, ये है तुंगनाथ का वीडियो, तुंगनाथ मंदिर। आप अगर आप नहीं गए हैं तो कभी जाओगे तो आपको पता लग जाएगा, और कभी इस तरह से भीड़ वगैरह होती है तो आपको फिर और भी अच्छी तरीके से पता लग जाएगा कि क्या चक्कर रहता है। असल में बात क्या हुई कि तुंगनाथ मंदिर में कुछ श्रद्धालु बहुत लंबी कतार में लाइन में लगे थे, और जब लाइन में लगे हुए थे तो क्या हुआ कि अचानक जैसे ना, कुछ लोग होते हैं VIP वगैरह, वो आए और वो अपने इस लंबी लाइन में न लगने से वो क्या कर रहा है, उन्होंने आगे लग गए स्टार्टिंग में और उनको दर्शन होने लग गए। तो भाई, जो इतनी जनता यहाँ बैठी हुई है पीछे, ठंड में, धूप में, बारिश में, कुछ भी हो सकता है भाई, मौसम है, कैसे भी हो सकता है, वो लोग भड़क गए भाई कि यार क्या क्या हो गया भाई। एक तो भाई साहब इतनी ठंड है, ऊपर से हम लोग इतनी बड़ी लाइन लगा के यहाँ दर्शन करने आ रखे हैं, और ऊपर से ये लोग आ रहे हैं VIP लोग और दर्शन करके और चले जा रहे हैं। तो भाई, ये कहीं ना कहीं गलत है कि नहीं है, आप ही बताओ अगर ये गलत है कि नहीं है कि कोई भी VIP बंदा आया 2 मिनट के लिए अपना दर्शन करके और भाग लिए, और जो बंदे भाई सुबह से लाइन में लगे पड़े हैं उनका क्या, ये लोग तो आएंगे और निकल देंगे। लेकिन भाई, कहीं ना कहीं मैं अपनी तरफ से ये सोच रहा हूँ कि ये VIP जो दर्शन है ना, ये बंद होने चाहिए यार। इंसान तो एक जैसे हैं, भगवान के लिए कोई मोदी जी बड़े तो नहीं है, या कोई भी हो, बड़ा आदमी कुछ भी हो, मतलब उसको भी तो वही हक है ना जो उन सभी को हक है। तो इंसान एक जैसा ही है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो चाहे कुछ भी हो, सबके लिए एक तरीके से और एक समान रूल होने चाहिए ना। तो मेरे हिसाब से तो भाई, ये जो भी है क्या बोलते हैं उसको, VIP दर्शन ये बंद होने चाहिए, कहीं भी हो, कहीं भी, किसी भी जगह हो, VIP दर्शन हमेशा बंद ही होने चाहिए। आपको क्या लगता है, अपनी राय दें, कमेंट में लिखें और बताइए कि क्या आपको भी VIP दर्शन चाहिए, और क्या आपको भी VIP दर्शन क्या बोलते हैं अच्छा लगा कि गरीब लोग तो लाइनों में भरे पड़े हैं और कोई चंद पैसों वाला आया और 4 पैसे दे के चला गया। तो क्या लगता है आपको कि आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि VIP दर्शन बंद होने चाहिए तो कमेंट जरूर करिए दोस्तों। मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।